सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। तो पुनीश, बिग बॉस पर बात करनी हो और आपको न याद किया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कहेंगे, कितना एंटरटेनिंग लग रहा है अब तक का, क्योंकि बिल्कुल भी लोगों को मजा नहीं आया। देखिए, बहुत बहुत बच रहा था मैं इस बार बिग बॉस के इंटरव्यू देने के लिए, पर आपने मुझे मेरे सेट पे पकड़ ही लिया है तो अब ये तो देना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत ही डल सीन चल रहा है एंड बहुत ही सलमान भाई के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है शो में, और मुझे ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं भी उस शो का एक पार्ट रहा हूँ। और पता नहीं क्यों, पर है बहुत थोड़ा सैड है। और पिछली बार के कंटेस्टेंट्स को भी भेजा है अंदर, उनके साथ भी इन लोगों का बिहेवियर मेरे ख्याल से कोई अच्छा नहीं रहा है, तो अब अंदर जाने में भी एक अलग सी एक हिच है। अगर बिग बॉस मुझे बोलेंगे पुनीश अंदर चले जाओ, तो मैं शायद सोचूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले ये लोग गए हैं, अभी इनको भी कुछ अच्छा ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं दिया है। और रही बात इन कंटेस्टेंट्स की, तो आई थिंक सिवाय बदतमीज़ी के और कुछ नहीं चल रहा, चाहे माने ना माने, पर इट्स अ वेरी डल सीज़न। अच्छा, काफ़ी सारे पैटर्न बदले बिग बॉस ने, काफ़ी सारी वाइल्ड एंट्रीज हुई, काफ़ी सारे गेस्ट गए घर में कुछ दिन कंटेस्टेंट के साथ बिताने के लिए, लेकिन फिर भी ना तो शो टीआरपी में आ रहा है, ना ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कहाँ सिलेब्स भारी पड़ रहे हैं या कॉमनर्स भारी? मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ ही बहुत वीक है, कोई भारी और कोई हल्का नहीं पड़ रहा है। आई थिंक थोड़ी कास्टिंग इस बार ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लगता है बिग बॉस से। और दूसरी बात एक और कहूँगा कि बिग बॉस 11 ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क छोड़ दिया है, और उसको पार करना कोई आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड ही था मुझे थोड़ा सा कि ऐसा गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक बार ही आप अगर मर्सिडीज़ में बैठ गए हो तो आपको मारुति में बैठने में प्रॉब्लम तो होगी ना। तो पिछला सीज़न मर्सिडीज़ ही था और इस बार ही का मारुति है। छोटा सा क्विज खेल लेते हैं क्योंकि आपको भी शूट करना है, घाई है। अच्छा, घर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको? घर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मुझे रोमिल। बेवकूफ सॉरी टू से पर करणवीर भाई। घमंडी तो निकल गया, शिवाशीष। कोई और ऐसा जो? दीपिका पक्की एक नंबर की घमंडी है। इंटेलिजेंट दीपक। कोई बोरिंग लगता है जो? बिल्कुल सृष्टि रोडे बोरिंग। ओके, सुपर एक्टिव लगता हो कोई टास्क को लेकर सबसे ज्यादा? सुपर एक्टिव टास्क को लेकर श्रीशांत तो गिव अप ही कर देते हैं हर टास्क को, तो आई डोंट नो, प्लीज मुझे लग ही नहीं रहा कि क्योंकि टास्क में कोई परफॉर्म भी करना चाहता है। घर का डबल ढोलकी कौन लगता है? डबल ढोलकी जो यहाँ से भी बजता वहाँ से भी बजता। डबल ढोलकी तो कोई मेरे को खास नज़र नहीं आता, क्योंकि किसी को इतनी अच्छी गेम ही नहीं खेलनी आती कि वो डबल ढोलकी बन जाए, तो आई डोंट नो, बड़े अजीब सी बात है ये। अच्छा, कोई दोगला इंसान लगता है घर में? दोगला तो मुझे श्रीशांत जी लगते हैं थोड़े से दोगले, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है। ये मेरी गेम है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बस यही बोलते रह जाते हैं। अच्छा, घर में कोई ऐसा लगता है जो सीक्रेसी दूसरों की मेंटेन रखता हो, मतलब कितनी भी? आई थिंक करणवीर एक ऐसे बंदे हैं जो थोड़े अच्छी तरह इस गेम को खेल रहे हैं और थोड़े डिग्निफाइड तरीके से खेल रहे हैं, बाकी सब तो कंट्रोल लूज कर चुके हैं। मेंटली स्ट्रांग कोई लगता? मेंटली स्ट्रांग मुझे श्रीशांत लगते हैं। इमोशनली वीक पता नहीं वो असली में है या दिखाती हैं, पर दीपिका। ओके, बिंदास कोई? बिंदास ऑफ कोर्स, राणा, सुरभि राणा। ओके, जीतने का पैशन जिसमें नजर आता? जीतने का पैशन सुरभि राणा में नज़र आता है, रोमिल में डेफिनेटली नज़र आता है, एंड आई थिंक रोमिल इज़ अ पोटेंशियल विनर। थैंक यू।